की बात है कि दोबारा से एएसआई, एसआई और अकाउंटेंट की वैकेंसीज आ चुकी हैं जो बहुत अच्छे ग्रेड पे होती हैं। आपको पता है पिछली बार भी बहुत अच्छे सिलेक्शंस अपने क्षेत्र से हुए हैं और मैं मानता हूं कि इस बार भी होंगे। पिछली बार के अनुसार मैंने अपने क्षेत्र के इस भगतपुर क्षेत्र में बड़ी मेहनत की है। मैंने बच्चों को ओ लेवल कराया है और हमारे पास से जितने बच्चों ने ओ लेवल किया है पिछले साल सब लोग पास आउट हैं। एंड अब हम दूसरा बैच चल रहा है जिसका अगला हमारा पेपर है। मैंने विद्यार्थियों से बहुत बार कहा था कि मेरी बात मान लो, आप कंप्यूटर का डिप्लोमा कर लो, ओ लेवल कर लो, ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। बट यहाँ एक बात है कि अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन दी जाए तो बच्चा पहले ये सोचता है कि पता नहीं इनको कितना बड़ा बेनिफिट होगा इससे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये बच्चों? याद रखिए, हम गुरु लोग हैं। हम लोग आपको केवल वो बात बताते हैं जो आपके आगामी भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। मैं इस क्षेत्र में एक जागरूकता फैला रहा हूँ जो अक्सर ठाकुर द्वारे में लोग नॉर्मल समझते हैं, यहाँ उसको जानते भी नहीं। ओ लेवल को मैं यहाँ करा रहा हूँ, अपना एकमात्र सेंटर है जहाँ ओ लेवल होता है। प्यारे बच्चों, अगर ओ लेवल आपके पास सबके पास होता तो आप इस वैकेंसी में निडर होकर फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब भी आपके लिए वक्त है। आप कंप्यूटर में ओ लेवल हमारे यहाँ कर सकते हैं, नए एडमिशन ओपन है। और दूसरी बात यह है कि एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर और अकाउंटेंट के बैचेस में जो 100 नंबर का 50% जो कंप्यूटर आने वाला है, 50 नंबर का जो कंप्यूटर आने वाला है उसकी हम लोग स्टडी करा रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर में लगभग 80 नंबर का कंप्यूटर आता है। कल से उसकी क्लास स्टार्ट है, 30 दिसंबर से। मैंने प्रचार डाल दिया है, आप सबने देखा भी होगा। 30 दिसंबर से उसका बैच स्टार्ट है, ओनली कंप्यूटर का 1 घंटे का बैच है। बहुत बेहतरीन तरीके से उसकी स्टडी कराई जाएगी, संपूर्ण नॉलेज विद बूलियन एलजेब्रा। शायद आपको पता हो कि कंप्यूटर ऑपरेटर में बूलियन एलजेब्रा भी आता है। प्यारे बच्चों, हम बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए ताकि कोई भी भर्ती हमारे यहाँ से ना छूटे। इंग्लिश को बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं ताकि सेंट्रल की कोई सी भी वैकेंसी अगर आए तो हमारे क्षेत्र के बच्चे अज्ञान ना रहें उसको लेके। जैसे डीएसएसबी की वैकेंसीज आई हुई हैं, हमने उसके लिए भी बच्चों को प्रिपेयर किया है और इस बार फॉर्म भी पढ़ने वाले हैं अच्छे से। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सही जानकारी इकट्ठी करके चला करें। ज़रूरी नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वही सबसे सही है। आपको अपने दूसरे साथियों से भी जानना चाहिए कि हमारे जीवन के लिए क्या ज़रूरी है। और अगर आपका कोई बड़ा आपको समझा रहा है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली, बिकॉज ऑफ वो बंदे सीखे हुए होते हैं, उनको पता होता है कि हमने क्या करना है जीवन में, हमने क्या किया है, कहाँ गलतियाँ की हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि आप कंप्यूटर डिप्लोमा या ट्रिपल सी वगैरह ज़रूर किया करें। जेनिथ कोचिंग सेंटर अपनी खुद की लैब है, जेनिथ कोचिंग सेंटर की बढ़िया तरीके से हम लोग स्टडी करा रहे हैं, ओ लेवल के बेहतरीन रिजल्ट हम दे रहे हैं। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर इन सब के लिए वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। और रीजनिंग वगैरह, मैथ वगैरह का तो समझ लो सेम सिलेबस होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं वो सब आएँ और इन बैचेस को ज्वाइन करें। आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास ओ लेवल फिलहाल में नहीं है तो आप इसमें डीसी और पीजीटीसी से भी काम चला सकते हैं, बशर्ते सरकारी मान्यता प्राप्त हो, वो मतलब मान्यता प्राप्त हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आइए और बेहतरीन नॉलेज के लिए ज्वाइन कीजिए जेनिथ कोचिंग सेंटर को। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।